The anti-corruption branch of Delhi government has summoned former Chief Minister Sheila Dikshit for questioning in connection with an alleged ₹341 crore water meter scam. Kapil Mishra has said that he wants to expose the LG and the ACB for not acting against the former Delhi Chief Minister. During its 49-day stint in 2014, the AAP government had ordered an inquiry into the acquisition of these water meters, and 3 FIRs were also registered against unknown people. Special Commissioner of Police MK Meena said Dikshit had been summoned as she was also chairperson of Delhi Jal Board when the scam allegedly took place. नोटिस की कॉपी मैंने देखी और उस नोटिस की कॉपी को देखने के बाद मैं बिल्कुल सन्न रह गया। बहुत बड़ा शॉक मेरे को लगा और ऐसा लगा कि नोटिस के बहाने से ही शीला दीक्षित को इस पूरे मामले से बाहर करने की तैयारी में एसीबी बैठी हुई है। पहले दिन के पहले नोटिस में ही जिस मामले में शीला दीक्षित एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उस मामले से शीला दीक्षित को बाहर करने की तैयारी में ये नोटिस आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 नोटिस है मेरे सामने। एक नोटिस है जो शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट टू मैं टैंकर स्कैम में मेरे को भेजा गया है, और दूसरा नोटिस है जो अभियुक्त एक्यूज्ड है शीला दीक्षित वाटर मीटर के केस में उनको भेजा गया है। अब इन दोनों नोटिस का फ़र्क आप देखिए। शिकायतकर्ता को कंप्लेनेंट को लेटर भेजा जा रहा है जिसमें मेरे को कहा जा रहा है कि 4 जुलाई को 11 बजे PS एंटी करप्शन ब्रांच 5th फ्लोर विकास भवन में मेरे को आना होगा। ये मेरे नोटिस में लिखा है। जो शिकायत करता है उसको एक नोटिस भेजा जा रहा है, एक्यूज्ड को, अभियुक्त शीला दीक्षित को 2 साल और 5 महीने के बाद, और इसमें लिखते हैं अ सुटेबल एंड कन्वीनियंट डेट टाइम एंड प्लेस आर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड for the above mentioned purpose in the month of August 2016. मेरे को ये नोटिस भेजा गया है अंडर सेक्शन 160 CRPC। बिल्कुल क्लियर मेंशन है। शीला दीक्षित को किसी कानून के किसी सेक्शन में नोटिस नहीं भेजा गया, कोई मेंशन ही नहीं है। शी इज़ नॉट बाउंड टू इवन रिप्लाई टू दिस नोटिस। ये नोटिस ही नहीं है, ये प्रार्थना पत्र है और ये इलीगल है। एसीबी की तरफ से ऐसा नोटिस जाना गैरकानूनी है बिना 160 या सेक्शन मेंशन किए। इसका मतलब आपने जांच शुरू होने से पहले शीला दीक्षित को इस मामले से बाहर कर दिया। चार मामले हैं जिनमें से केवल एक मामले में एक लेटर कल भेजा गया है, बाकी पे अभी तक भी नहीं है। अभी भी एलजी और मीना साहब के ऊपर एफआईआर बनती है क्योंकि इस मामले में इतनी डिले की जा रही है, और जो केस है वो बताता हूँ मैं, और एक एक करके आने वाले टाइम में सारे केस का भंडाफोड़ करूँगा। इस केस के डिटेल आपको मैं बताता हूँ। 2.5 लाख नॉन एएमआर मीटर खरीदने थे, 2.5 लाख। इसमें केवल एक सिंगल बिड आती है एक कंपनी की, और वो बिड आती है 1.5 लाख मीटर के लिए। शीला दीक्षित जी की अध्यक्षता में क्या निर्णय लिया जाता है कि जिसने 1.5 लाख मीटर के लिए सिंगल बिड किया है उसी को बिना दोबारा बिड किए 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख मीटर दे दो गैरकानूनी तरीके से। लेकिन केवल 2.5 लाख मीटर नहीं दिए जाते, बिना किसी टेंडर के उसी कंपनी को थोड़े दिनों बाद 50,000 मीटर का और ऑर्डर दिया जाता है।